अगर सी क्रिटिकल एंगल हो तो वी नो दैट कि क्रिटिकल एंगल पर जो रे है वो 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है इस डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड एंगल 90 होना चाहिए, तो ए पार्ट तो करेक्ट नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये रे जो है 45 का एंगल बना रही है, तो इट्स मीन ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास 28 है, और अगर हमने x कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू होगा 45 माइनस रिफ्लेक्टेड एंगल r जो कि 28 है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम करने जा रहे हैं 2015 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। इन अ लिक्विड सम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द सरफेस इवन व्हेन द लिक्विड इज टू कोल्ड फॉर बबल्स टू फॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? वी नो दैट विदाउट हीटिंग अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस से वो आउट होते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप कपिल एड्स 37 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 सेल्सियस। द फाइनल टेंपरेचर ऑफ द वाटर एंड द मेल्टेड आइस इज 0 सेल्सियस। नाउ हीट इज लॉस्ट टू ऑल गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री। What is the specific latent heat of ice? Specific latent heat of ice हमने calculate करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस water ने कितनी heat lost की है, क्योंकि इस water का temperature 30 Celsius से 0 Celsius पर आया है, तो इस temperature decrease में जितनी heat इसने lost की होगी उतनी ही ice ने gain की होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इस water ने heat lost कितनी की है, तो Q lost हमने water का find करना है। QL मैं इसे मेंशन कर देता हूं, तो वो इज इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। C यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, मास और T टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मास वाटर का हमारे पास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है वाटर की 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर वाटर जो है वो 30 सेल्सियस से 0 सेल्सियस पर आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 30 सेल्सियस है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,600। तो ये वो हीट है जो वाटर ने लॉस्ट की है, और ये वही हीट है जो आइस ने गेन किया है, तो इसे ही जो है क्यूजी भी कहेंगे, हीट गेन बाय आइस। अब जो आइस है उसने हीट गेन करके वो मेल्ट हो गई है वाटर में, तो यहां पर हमने फाइंड करना है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो रिलेशन बन जाएगा क्यू जी इज इक्वल टू एम एल एल, यहां पर जो है वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस है, वो हीट है जो आइस ने गेन की है मेल्ट होने के लिए, इसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं HF। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, क्यू जी जो है वो 12,600 है, मास आइस का हमारे पास 37 ग्राम है, और एल हमने कैलकुलेट करना है, तो 12,600 को 37 से डिवाइड करेंगे तो एल का आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 340.5, जिसे राउंड ऑफ करके हम कर लेंगे 341। तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 23 देखते हैं, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज सी। The energy needed to increase the temperature of the whole object delta T is C delta T, yes, क्योंकि जो specific heat capacity होती है वो 1 Celsius temperature increase करने के लिए जितनी हमें heat चाहिए होती है उसे heat capacity कहते हैं। तो heat capacity को change in temperature से multiply करेंगे तो total heat आ जाएगा जो हमें उस object की temperature change करने के लिए चाहिए होता है, तो A part E correct है। MCQ 24 है, a ball floating in a ripple tank begins to move vertically up and down as a wave passes beneath it. The ball does not move horizontally. Which statement is correct? तो हमने statement देखनी है कि कौन सी correct है, ball जो है वो vertical move कर रही है, horizontal move नहीं कर रही। Both energy and water are transferred in the wave direction. No, water transfer नहीं हो रहा wave direction में। We know that wave है only energy transfer कर दिया। अगर water transfer हो रहा था wave direction में, तो ये जो ball है ये water के साथ
हॉरिजॉन्टल मूव कर दी इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉल हॉरिजॉन्टली मूव नहीं की, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया इट्स नहीं, ये बॉल जो है ओनली वर्टिकल मूव कर रही है, नीचे से वाटर मूव नहीं कर रहा। बी ऑप्शन एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज, नो वाटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। एनर्जी इज ट्रांसफर इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज नॉट, यस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव डायरेक्शन में बट वाटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQs 25 देखते हैं। A ray of light in glass is incident on the surface at an angle C. The angle C is the critical angle which diagram shows what happens to the light. तो options को देखते हैं। अगर C critical angle हो तो we know that the critical angle पर जो ray है वो 90 degree पर bend हो जाती है इस direction में। तो reflected angle 90 होना चाहिए। तो A part तो correct नहीं है, B part भी correct नहीं है, यहाँ तो reflection हो ही नहीं रही। सी पार्ट भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रही है। डी पार्ट में यस जो वेव है वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही है या 90 डिग्री पर रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो इट्स मीन ये क्रिटिकल एंगल ही है सी, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 26 देखते हैं। A ray of light is incident on the surface of glass block as shown in the diagram below. Okay, the refractive index of the glass is 1.5. The light ray changes direction when entering the glass. What is the angle x through which the ray moves? हमने ये एंगल x फाइंड करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया गया, इंसिडेंट एंगल भी हमें बता दिया गया। हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, तो ये एंगल भी 45 होगा क्योंकि ये 45 है, टोटल 90 है, तो ये एंगल i भी 45 होगा। अब हमने रिफ्लेक्टेड एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी नॉर्मल के साथ होता है, तो हमें ये एंगल रिफ्लेक्टेड बताएगा। तो पहले हम आर एंगल फाइंड कर लेंगे, उससे फिर एक्स निकाल लें। तो वी नो दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू होता है साइन आई ओवर साइन आर। वैल्यूज को पुट करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5, साइन इंसिडेंट एंगल हमारे पास है 45 और रिफ्लेक्टेड एंगल हमने फाइंड करना है, तो उसे मैं साइन आर ही लिख दूंगा। मैं साइन आर को रिप्लेस कर देता हूं 1.5 से, इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं, तो साइन आर हमारे पास आ जाएगा साइन 45 जो कि होता है 0.7071 डिवाइडेड बाय 1.5। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन आर आ जाएगा 0.4714। यहां पर साइन इनवर्स लेंगे हम, आर आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल जो के आ जाएगा इसका साइन इनवर्स लेने से 28 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास 28 डिग्री आ गया है ये, और हम जानते हैं कि ये रे जो है 45 एंगल बना रही है, तो इट्स मीन ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास 28 है, और अगर हमने x कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू होगा 45 माइनस रिफ्लेक्टेड एंगल r जो कि 28 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। तो यानी कि x जो है 17 डिग्री है, मीन c पार्ट करेक्ट है। MCQs 27 देखते हैं। An image is formed by a thin converging lens when it is used as a magnifying glass. What is the correct description of the image? अगर हम converging lens को as a magnifying glass use कर रहे हैं, it's mean जो object है वो focal length से ज्यादा करीब है। अगर ये converging lens है और ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से ज्यादा करीब हो, इनसाइड पड़ा हो, तो वी नो दैट जो इमेज बनती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर इरेक्टेड एंड विजुअल बनती है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, रियल एंड इरेक्टेड नॉन रियल इमेज नहीं बनती जब कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से ज्यादा करीब पड़ा हो, यानी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास जब यूज हो रहा हो। अगेन रियल इमेज नो, विजुअल एंड इरेक्टेड यस, सी पार्ट करेक्ट है, विजुअल इमेज बनती है और इरेक्टेड बनती है।
MCQ 28 देखते हैं which component of the electromagnetic spectrum is used for television transmission from satellites. तो satellites में television transmission के लिए microwave use करते हैं, तो A part correct होगा. MCQ 29 देखते हैं in which situation do sound have not traveled. A option है from a satellite in space to earth. Yes, space से sound travel नहीं कर सकती क्योंकि sound mechanical wave है और मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिशन के लिए मीडियम चाहिए होता है. स्पेस में मीडियम नहीं है जिस वजह से वहां से साउंड ट्रेवल नहीं करती, तो ए पार्ट करेक्ट है. 30 MCQ the two sounds waves x and y are compared. x has greater frequency, y has greater amplitude. How do the loudness and the pitch of the sound wave y compare to those of x? तो हमने देखना है दोनों का कंपैरिजन क्या है. अगर x का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट्स मीन उसकी पिच ज्यादा है क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और y का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इट्स मीन उसकी लाउडनेस ज्यादा है. तो मैं मेंशन कर देता हूँ इसकी पिच ज्यादा है और इस वेव की लाउडनेस ज्यादा है क्योंकि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. तो ऑप्शन को देखते हैं, y इज लाउडर, यस, एंड हायर पिच, नो, हायर पिच नहीं है. y इज लाउडर एंड लोअर पिच, यस, y लाउडर है बट उसकी पिच लो है, तो b पार्ट करेक्ट है. ओके बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं. अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.